मुसीबत का समय आने पर किस तरह से भाई भी साथ छोड़ देता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अनिल अंबानी के मामले में सामने आया है। जी हाँ, अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम इन दिनों गंभीर संकट से गुजर रही है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बात की भी तैयारी कर ली गई है कि अनिल अंबानी को कोर्ट की अवमानना के आरोप में जेल भेज दिया जाए। कुल मिलाकर अनिल अंबानी इस समय अपने भाई मुकेश अंबानी की धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। अनिल अंबानी का यह भी कहना है कि यह बात झूठ है कि जियो से उन्हें 5,000 करोड़ रुपए लेने थे। वास्तव में हुआ यह कि आरकॉम और जियो के बीच स्पेक्ट्रम टावर इत्यादि बेचने को लेकर एक अनुबंध हुआ था और जियो ने बाद में धोखा देते हुए उस अनुबंध से खुद को अलग कर लिया और डील रद्द होने की अवज में मात्र 780 करोड़ रुपए ही मिले। यह रकम भी कुछ कर्ज देने वाले बैंकों ने ले ली और आरकॉम के पास एक पैसा भी नहीं आया। अब कुल मिलाकर अनिल अंबानी का यह भी कहना है कि जियो द्वारा उन्हें धोखा दिया गया है। जियो के मालिक हैं मुकेश अंबानी, जो कि अनिल अंबानी के सगे भाई हैं, लेकिन मुसीबत के समय उन्होंने अनिल अंबानी को अकेला छोड़ दिया और उसे धोखा दिया। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अनिल अंबानी बुरी तरह से फंस चुके हैं। उल्लेखनीय है कि कोर्ट द्वारा यह कहा गया था कि एरिक्सन कंपनी को 15 दिसंबर तक 550 करोड़ रुपए की राशि आरकॉम को देना होगी और अगर इसमें देरी होती है तो 12% ब्याज भी देना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरा करने में नाकाम रहे अनिल अंबानी और इसीलिए उनकी सुप्रीम कोर्ट में पेशी भी हुई, लेकिन वे अपने ही भाई के धोखे के शिकार हुए। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.